राजधानी में बढ़ते कोविड-19 के मरीजों का असर पड़ोसी जिला खूंटी में भी देखने को मिल रहा है। राजधानी में मरीजों को अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन नहीं मिलने से अब मरीज खूंटी सदर अस्पताल पहुंचने लगे हैं। खूंटी जिले में लगातार बढ़ते कोविड-19 के मामलों को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। एक तरफ रांची में मरीजों के परिजन स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकते नजर आ रहे हैं, वहीं खूंटी सदर अस्पताल कोरोना मरीजों के लिए मानवीयता का परिचय देकर कम सुविधाओं में भी मरीजों की जान बचाने में लगे हैं। जिले में कोविड मरीजों के लिए बेहतर चिकित्सीय सुविधा बहाल की गई है। अन्य जिलों के कोविड-19 के मरीज भी खूंटी की हेल्थ साइट में ऑनलाइन बेड की उपलब्धता के आधार पर मरीज यहां पहुंचने लगे हैं, जिससे जिले का स्वास्थ्य महकमा के लिए बड़ी चुनौती है। बावजूद खूंटी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। तैयारियों के बाद भी जिले में कोरोना से 13 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 973 हो गई है। खूंटी के सिविल सर्जन प्रभात कुमार ने बताया कि खूंटी जिले में खाली बेड के ऑनलाइन डिस्प्ले से कोरोना संक्रमित मरीजों को काफी सुविधा मिलने लगी है। खूंटी के सदर अस्पताल समेत अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर 12 डॉक्टर और 20 हेल्थ वर्कर कार्यरत हैं। साथ ही चतुर्थी श्रेणी के वर्कर भी स्वास्थ्य कर्मियों के साथ टीम वर्क में अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे में कोविड-19 के मरीजों की बेहतर देखभाल की जा रही है, साथ ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए 4 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। मिडनाइट में भी आ रहे हैं लोग, क्योंकि बहुत बार जब दूसरे जगह पर बेड नहीं मिलते हैं तो फिर खूंटी में पता करते हैं, या खूंटी का वेबसाइट वगैरह पर भी बेड आजकल डिस्प्ले हो रहा है, तो अगर वो देखते हैं कि खूंटी में बेड खाली है तो आ रहे हैं लोग। और हम लोग बेड खाली रहने पर उनको, चूँकि मानवीय आधार पर और ऐसे भी ज्योग्राफिकल एरिया नहीं देखा जाता है पेशेंट के मामले में, कहीं से भी पेशेंट आते हैं और हमारे पास अगर 12 डॉक्टर्स हम लोग के लगे हुए हैं कोविड के मैनेजमेंट में, और साथ ही साथ स्टाफ्स भी नियर करीब 20 स्टाफ्स हैं, कुछ सपोर्ट स्टाफ्स हैं, 4th ग्रेड एम्प्लॉय भी हैं, और सबों के टीम वर्क से यहाँ पर कोविड का इलाज अच्छे ढंग से चल रहा है। जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पिछले साल बहुत कम थे, इस साल हम लोगों के पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काफ़ी हैं। अभी हम लोग कोविड के लिए 16 जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं वो लगाए हैं, उनसे हम लोग 16 पेशेंट को एक साथ दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हैं, जो कि लगभग 30 के आसपास हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स कोविड पेशेंट्स के लिए। और भी जगह पर हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स, जैसे ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम, लेकिन वो हम लोग कोविड पेशेंट के लिए नहीं अभी यूज़ कर रहे हैं। तो जो 30 सिलेंडर्स हैं वो कोविड पेशेंट्स के लिए हैं। ऑक्सीजन लेकिन रिफिल करने में दिक्कत हो रही है, कभी कभी लौटना पड़ रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, फिर भी हम लोग लगातार प्रयास करके Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे, शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा।